ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला अपने बेबाक बोल के लिए जाने जाते हैं। अब वो लोकसभा अध्यक्ष बन गए हैं। हाल ही वह अपने गृह क्षेत्र कोटा पहुंचे तो जाहिर है कि वहां लोकसभा अध्यक्ष की ठसक के साथ नहीं रह सकते। बिड़ला ट्वीट भी करते हैं जिनमें वो अपने विचार रखते हैं। बुधवार को उनके एक ट्वीट से विवाद पैदा हो गया। कई लोग बिड़ला के बारे में तरह तरह की बातें कर रहे हैं, उन पर जातिवाद होने के आरोप लग रहे हैं। ओम बिड़ला ने पिछले रविवार कोटा में ब्राह्मण महासभा के कार्यक्रम में भाग लिया था। उसके बाद उन्होंने ट्वीट किया था, समाज में ब्राह्मणों का ऊंचा स्थान है, ये उनके लिए बलिदान और समर्पण का परिणाम है। यही कारण है कि समाज में ब्राह्मण हमेशा मार्गदर्शक की भूमिका में रहे हैं। इस ट्वीट के बाद वरिष्ठ कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष के लिए इस तरह की भाषा का उपयोग करना ठीक नहीं है, ये समाज में ऊंच नीच आधारित जातिवाद की पैरवी करने जैसा है। गैर राजनीतिक संगठन पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज PUCL ने कहा कि कोटा में ब्राह्मण महासभा के कार्यक्रम में भाग लेने के बाद ओम बिड़ला ने जो ट्वीट किया है वो ठीक नहीं है, हम इसकी शिकायत राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से करेंगे। कांग्रेस सांसद कार्ति चिदम्बरम ने कहा कि ये लोकसभा अध्यक्ष को शोभा नहीं देता, इससे हिंदुत्व का असली चेहरा दिखाई देता है जिसमें जातिवाद को महत्व दिया जा रहा है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन AIMIM असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया है, माननीय महोदय, संविधान सभी के लिए न्याय, समानता और भाईचारे का वादा करता है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने भी कहा था कि आपसी भाईचारा होने से समाज में सिर्फ कुछ लोगों के वर्चस्व को समाप्त किया जा सकता है। हम ऐसे देश में नहीं रह सकते जहां एक जाति दूसरी जाति से श्रेष्ठ हो। गुजरात के निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवाणी ने बिड़ला के ट्वीट की निंदा करते हुए कहा कि जातिवाद को बढ़ावा देने वाला ये बयान न सिर्फ निंदनीय है बल्कि चापलूसी से भरा हुआ है। ये हमारे साथ मजाक है कि जातिवाद को बढ़ावा देने वाले व्यक्ति ने लोकसभा अध्यक्ष पद संभाल रखा है। अपने बयान के लिए ओम बिड़ला को माफी मांगनी चाहिए। राजस्थान में कांग्रेस सरकार के एक मंत्री ने भी ओम बिड़ला का नाम लिए बगैर बयान की आलोचना की है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा से जब बिड़ला के ट्वीट पर प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने कहा, जो भी प्रतिभा संपन्न और योग्य है वह श्रेष्ठ है। PUCL का कहना है कि लोकसभा अध्यक्ष का बयान संविधान के अनुच्छेद 14 के खिलाफ है जिसमें कानून के सामने सभी को समान बताया गया है। बिड़ला को अपना बयान तत्काल वापस लेना चाहिए। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।